गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये ललितद्य के वाक पढ़े थे, तो आज ये पहला वाक हमने पढ़ा था कि किस तरह से कवियत्री कह रही है कि वो अपने जीवन की नाव को खींच रही हैं और इस मोह माया लोभ लालच के भव सागर से पार होना चाहती है। ठीक है, तो अब ये दूसरा वाक है। अब ये सेकंड देखिए, यहाँ पर कवियत्री कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ पे खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, भोग विलास की जो वस्तुएं दी हैं, अगर हम इनमें लिप्त हो जाएं, ठीक है, हम कहें कि हम ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, महलों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इन सबको करके क्या होता है? कुछ प्राप्त होता है? कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमारे मन को कभी शांति नहीं मिलती है और हमारी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती रहती हैं। तो इसके लिए कवियत्री ने कहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हम कितनी भी भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त हो जाएं, सांसारिक सुख जितने भी भोग लें, तब भी हमारा मन खुश नहीं होगा और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर हम इन चीजों का प्रयोग ना भी करें, जैसे कि हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, घूमना फिरना है, सब इस चीज की सुविधा है, लेकिन हम तब भी इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे भीतर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। क्योंकि देखो, तब हम कहेंगे कि देखो भाई, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मुझे किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। तो इस चीज से हमारे मन के भीतर अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो हमें इससे बचना है, दोनों चीजों से बचना है। एक तो अगर हम बहुत अधिक भोग विलास में लिप्त रहेंगे तो भी हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर हम धन दौलत को लेकर हमारे मन के भीतर अहंकार आ जाएगा, हम उस चीज का भी प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर वो दुनिया को बताएंगे तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कब होती है मोक्ष की प्राप्ति? सम खा तभी होगा संभावी। अगर तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, तो सम खा, हमें अहंकार को खाना होगा, अहंकार को समाप्त करना होगा और सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। इस मतलब अगर हमारे पास बहुत अधिक धन है तो हम गरीबों में दान कर दें, अगर हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं तो उनमें से कुछ कपड़े हम दान कर दें, हमारे घर का धन व्यर्थ जा रहा है तो हम उस धन को गरीबों में बांट दें। जब हम इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के दान पुण्य का काम करेंगे, तब हमारे मन में समभावी, सबको एक समान देखने का नजरिया पैदा होगा, तब हम समभावी बनेंगे। ऐसे समभावी नहीं बनेंगे कि हमारे पास बहुत धन है लेकिन हम बिल्कुल गरीब दास की तरह रह रहे और लोगों को कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास धन है तो आप दूसरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, तो तब जाके हमारे उस धन का सदुपयोग होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और हमारा मन इससे स्वच्छ होगा और हमारे मन के भीतर जितनी बीमारियां हैं, संकीर्णताएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी और हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, जो हमने भोग विलास के कारण, संकीर्णताओं के कारण अपने मन के द्वार जो बंद कर रखे हैं, वो इससे लोगों को एक समान देखने से, उनकी मदद करने से हमारे मन के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए हमें क्या बनना है? समभावी बनना है, ना कि अहंकारी बनना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, कि हम जितनी भी भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहेंगे, सांसारिक सुखों को भोगेंगे, अंतिम समय में हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अंतिम समय में क्या लोग ये पूछेंगे
या ईश्वर ये पूछेगा, अरे भाई तूने तो इतना ऐशो आराम किया, तू तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा, तूने इतने बड़े होटलों में खाना खाया। तो वो किसी चीज की गिनती में नहीं आता है, वो निरर्थक है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर हम इन वस्तुओं का भोग विलास भी ना करेंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। हम उसका बखान दूसरों पे करेंगे तो लोग कहेंगे देखो भाई कितना घमंडी है, अगर इसके पास इतनी धन दौलत है ये इसको इसका उपयोग नहीं कर रहा है तो ये लोगों को दान दे, जिस जरूरतमंदों की मदद करे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि हमारे पास धन है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो उससे भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है हमें? जब हम अपने अहंकार को खत्म करके दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इतनी ही धन दौलत ईश्वर ने दी है तो हमें उसे गरीबों में बांटनी चाहिए, जरूरतमंदों को देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन की जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, संकीर्णताएं हैं, वो सब बाहर निकलती हैं और हमारे बंद जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। अब ये थर्ड देखिए, यहां पर कवियत्री क्या कह रही है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मनुष्य जो है जब जन्म लेता है तो उसके मन में उसके अपने कर्म लिखे रहते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म किस लिए लेना है, अच्छाई करने के लिए, लोक सेवा करने के लिए। लेकिन आई सीधी राह से आते तो हम यही सब सोच के हैं, गई न सीधी राह, लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं तो हमारी रास्ते हमारा रास्ता हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। जिस काम से हमने जन्म लिया है वह चीज हमारे दिमाग से हट जाती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, और जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर, सुषुम सेतु जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, बीत गया दिन आहा, सारा जीवन हमारा ये लोभ लालच में अपने स्वार्थ के लिए सब में निकल जाता है, तब हम पछताते हैं कि हमने इस पृथ्वी पर जन्म किस लिए लिया था, मानवता की सेवा के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, लेकिन हमने पूरे जीवन क्या किया, कुछ नहीं, जेब टटोली कौड़ी न पाई। और अंतिम समय में जब हम मृत्यु के कगार पर खड़े होते हैं तब हम अपने आप को टटोलते हैं कि हमने इतने वर्ष क्या अच्छाइयां की, हम क्या लेकर ईश्वर के पास जा रहे हैं जो हम उसे बताएं कि ये देखो हमने अपने जीवन में ये कार्य किए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, लेकिन हमारे पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं था, मांझी को दूं क्या उतराई, अब मैं उस मांझी उस ईश्वर को क्या दूंगी जिसने मुझे इस जीवन से पार लगाया है, इस जीवन के भव सागर से मुझे पार लगाया है। तो कहने का मतलब यह है कि कवियत्री कह रही है कि हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, लेकिन हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, ईश्वर की भक्ति दूर दूर तक हमारे पास नहीं रहती, और हम अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए कई बार गलत काम करते हैं, लोभ लालच में फंस जाते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, जब हम अंतिम समय पर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े होते हैं, बीत गया दिन आए, तब हम सोचते हैं कि अरे हमारी पूरी जिंदगी कब बीत गई, कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। अब हमें ईश्वर के पास जाना होता है और ईश्वर हमसे पूछेंगे कि भाई जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था क्या तुमने वो काम पूरा किया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, लेकिन जब हम अपने आप को टटोलते हैं कि हमने पूरे जीवन में क्या अच्छा कार्य किया, तो हमें उसमें से कुछ भी नहीं दिखाई देता। मांझी को दूं क्या उतराई, अब मैं यही सोच रही हूं कि अंतिम समय में जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी तो मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं। अब देखिए इसका जो लास्ट वाक है उसमें कवियत्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव, हर पृथ्वी के हर कण में सिर्फ शिवजी ही विराजमान हैं, ईश्वर ही विराजमान हैं।
भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते ना कि नहीं, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, हम इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर शिव ही विराजमान है। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, हमें ज्ञान हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं के भीतर झांकना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, अपने मन के मैल को हटाना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। वही है साहिब से पहचान। और अगर हमने अपने भीतर के मैल को, अपने भीतर मन के जो संकीर्णताएं हम पाले रहते हैं, अगर हम उनको साफ कर लेंगे, तो समझो हम ईश्वर को पहचान पाए हैं। हमें पता लग जाएगा कि ईश्वर क्या है। हमें मंदिर मस्जिद में भागने की जरूरत नहीं ईश्वर को पहचानने की, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं हमारे भीतर विराजमान है। लेकिन हमारे मन के भीतर इतनी ज्यादा कुटिलताएं भरी हुई हैं, इतनी ज्यादा संकीर्णताएं भरी हैं, इतना लोभ लालच भरा है कि उसके बीच में हम ईश्वर को नहीं पहचान पाते। और अगर हम ये सब चीजें अपने मन से हटा दें, तो हमें साहिब ईश्वर की पहचान हो जाएगी। तो यहां पर बहुत ही सरल भाषा में कवयित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिवी। पृथ्वी के प्रत्येक कण में शिवजी का ही स्वरूप हमें दिखाई देता है, स्वरूप है। वो पेड़ में है, पौधों में है, पत्थर में है, ठीक है, हमारे प्रत्येक मनुष्य के मन में है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हे मनुष्य, तू हिंदू मुसलमान के भेदभाव में मत पड़। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। अगर तुम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो, तो पहले तुम अपने भीतर झांक के देखो, अपने आप को पहचानो। वही है साहिब से पहचान। तो हमें ईश्वर की पहचान हो जाएगी। हम तब, अगर जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम कभी हिंदू मुसलमान का राग नहीं गाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। और बच्चों, जो ये इसकी व्याख्या है, इसको आपने फेयर नोटबुक में करना है, और इसके बाद तब मैं ये क्वेश्चन आंसर दूंगी जो आप ये वर्कशीट में करोगे। थैंक यू।